अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। रमजान अल मुबारक का पूरा महीना मुसलमानों के लिए मौसम बहार है, खास तौर पर आखिरी अशरे में भी ताक रातें अनवार और बरकात से पुरनूर रातें होती हैं। इनका एक मिनट भी जाया करना बदनसीबी और बदकिस्मती है। अल्लाह सुभान व तआला शबे कदर की इबादत के बारे में कुरान करीम में फरमाते हैं, शबे कदर हजार महीने से बेहतर है। हजार महीने 83 साल और 4 महीने होते हैं। इसका मतलब ये है कि हजार महीने तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है, इससे ज्यादा शबे कदर में इबादत करने का सवाब है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी इस रमजान में एक ऐसी रात है जो हजार महीनों से बेहतर है, जो इसकी खैर से महरूम रहा, वो तहकीक के हर तरह के खैर से महरूम रहा। लैलतुल कदर मजमुआ है दो लफ्जों, यानी लैल बमानी शब यानी रात और कदर के मानी रुतबा मर्तबा काबिले एहतराम और अजमत के हैं। कदर के और बहुत से मानी मुफस्सरीन ने अपनी तशरीह में लिखे हैं। अगर इस सूरह को बगौर पढ़ा जाए तो कदर के मानी तकदीर भी हो सकते हैं। बाज मुफस्सरीन ने कदर को जीक और तंगी के मानों में लिया है और कुछ ने कजा और कदर के मानों में भी लिया है। उल्मा ने तंगी को इन मानों में लिया है कि अल्लाह ने इस रात की सही तारीख मदीन नहीं की, और ये भी कि आसमान से ऐसे मलाइका नाजिल होते हैं कि कसरत तादाद मलाइका की वजह से जमीन तंग पड़ जाती है यानी छोटी हो जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल कदर के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रमजान में होती है। अबू दाऊद मुफस्सरीन लिखते हैं कि जिस रात में कुरान नाजिल किया गया था और जिसको कुरान हकीम में लैलतुल कदर कहा गया है, चूंकि वो रमजान की एक रात थी, इसलिए लाजमन हर रमजान में एक रात लैलतुल कदर है, लेकिन कौन सी रात है इसका तायन नहीं हो सका, बजुस इसके कि वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे कदर को रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। कुरान हकीम में इस रात को एक और नाम यानी लैलतुल मुबारका से पुकारा है। मफहूम ये है, कसम है किताबे वाज़े की, बेशक हमने इसको नाजिल किया इस मुबारक रात में क्योंकि हमें बिलाशुबा डराना मकसूद था। सूरतुल दुखान। यहाँ मुबारक रात के मानी बरकत वाली रात के हैं। इस रात की फजीलत और बरकत कुतुब अहदीस में मुतहदिद मकामात पर आई है, मगर चूंकि इस रात की फजीलत खुद कुरान हकीम में 2 मकामात पर आई है और फिर सूरह कदर पूरी इस मुबारक रात की तारीफ में मुस्तकिल सूरत के तौर पर नाजिल हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद भी रमजान के आखिरी अशरे में अल्लाह ताला की इबादत करने में सख्त मेहनत फरमाते थे। इतनी मेहनत किसी और महीने में नहीं करते थे। एक मर्तबा सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, ये कैसे मालूम हो कि जिस रात हमने इबादत की है वही शबे कदर है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इस रात की निशानियां बयान फरमाई। अबी बिन कहाब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी एक निशानी ये बताई कि इस रात के बाद जो सूरज तुलू होगा इसमें शुआ नहीं होगी। शुआ नहीं होगी से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि शुआ में तेजी नहीं होगी। एक और निशानी इस रात के बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शबे कदर का जिक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो वो वक्त याद रखेगा जब चांद निकलते वक्त वो एक छोटा सा टुकड़ा होगा। एक और रिवायत में आया है कि इस रात में सुकून होता है, न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी होती है, आसमान रोशन और साफ होता है और इसकी सुबह को सूरज की शुआएं हल्की होती हैं।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रात तमाम साल में दायर रहती है। इनका दूसरा कौल ये है कि तमाम रमजान में दायर रहती है। साहिबीन का कौल है कि तमाम रमजान की किसी एक रात में है, जबकि शाफिया का कौल है कि 21वीं शब में होना अकरब है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे की ताकरातों में है, जो किसी साल किसी रात में और किसी साल किसी और रात में होती है, लेकिन जमहूर उलमा की राय में 27वीं रात में ज्यादा उम्मीद है। हमें शबे कदर की तलाश में रमजान के आखिरी अशरे की ताकरातों में सही करना चाहिए। इस अशरे को गनीमत जानते हुए अपने खुदाए बरतर से लो लगानी चाहिए कि वो अफू दरगुजर करने वाला है, और इस रात आइंदा के लिए तजदीद अहद किया जाए कि हमारा कोई लम्हा इसकी नाफरमानी में नहीं गुजरेगा। ये रात हमारे रब ने बतौर इनाम हमारे लिए मुख्तस की है, जिसमें हमारी बख्शिश का निजात का मुकम्मल सामान रखा है। हज़रत इंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब लैलतुल कदर होती है तो जिब्राइल मलाइका के झुरमट में उतरते हैं और हर इस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त खड़ा हो या बैठा हो, अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। जाहिर है जब मलाइका गुनाहगार बंदों के लिए दुआ कर रहे होंगे, यकीनन इसकी रहमत का समंदर मौजज़न होगा, जो इंशाअल्लाह ताला हमारी मगफरत का बाइस होगा। हमें रमजान के आखिरी अशरे की ताकरातों 21वीं, 30वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में शबे कदर की तलाश में इबादत में मशगूल रहना चाहिए। शबे कदर की तलाश का मतलब ये है कि इस रात में ज्यादा ही तिलावत कुरान करीम, जिक्र अजकार, नफल नमाजें और दूसरे अमाल करने चाहिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।